everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Vikas Kumar Rohtagi. Friends, in our last video, we discussed how to tell our daily routine, and I hope that you liked my video very much. I hope it was beneficial for you all. In this video today, I'm going to discuss a frequently asked question in your interviews. जी हाँ, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले एक क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अक्सर हम लोग कभी भी उसको प्रिपेयर करके जाते ही नहीं। देखिए, जो नए नए लोग हैं, जो अभी आगे जाके इंटरव्यूज़ देने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक कोई इंटरव्यूज़ ज़्यादा दिए नहीं हैं, उनको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में, वो हमारे डेली रूटीन पे भी बेस्ड होते हैं, जो डेली रूटीन हमने पिछली बार किया था। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई, आप अपना दिन कैसे गुजारते हो, हाउ डू यू स्पेंड योर डे। बट कई बार आपसे पूछा जाता है कि अपनी मॉम का डेली रूटीन बता दीजिए। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी एक स्टूडेंट एक बार ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिस में गई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो उनसे तो यही पूछा गया था, आप अपनी मॉम का रूटीन बता दीजिए। तो उन्होंने अपनी मॉम का रूटीन कैसे बताया होगा? जी एक बात देखिए, मॉम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के जो मैंने आपको एस या ई एस की वर्ब्स बताई थी, उन्होंने सारी की सारी एस या ई एस की वर्ब्स यूज़ करी वहाँ पे। तो हमारे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, यानी कि जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, उनको कोई हाई फाई चीज़ नहीं पूछनी होती। अगर आपकी इंग्लिश टेस्ट करनी है, वो इन सब छोटी चीज़ों से भी कर सकते हैं कि आप राइट टाइम पे राइट सब्जेक्ट के साथ राइट वर्ब्स लगा रहे हो या नहीं लगा रहे। अगर वहाँ पे आप राइट वर्ब्स लगा देते हो, दैट मीन्स कि आपको अगले राउंड पे भेजा जाएगा, नहीं तो आपको पहले राउंड से टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी टाटा बाय बाय करने के लिए वहाँ पे जाता है, आप लोग चाहते हो आपकी जॉब लग जाए। इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताता रहता हूँ, वो ध्यान रखनी है, और आगे जाके आप देखना ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो हम आज अपना डेली रूटीन वगैरह डिस्कस नहीं करने वाले, या कोई भी प्रेजेंट की चीज़ नहीं करेंगे, आज हम करेंगे पास्ट की चीज़। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नई चीज़ है। सो फ्रेंड्स, लेट मी फर्स्ट टेल यू सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पास्ट टेंस। कुछ अच्छी खास बातें बताता हूँ आपको पास्ट टेंस के बारे में, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट के बारे में बताई थी, बट पास्ट टेंस की कुछ खास बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पास्ट में कभी भी दो दो चीज़ों का फंडा नहीं होता, जैसे कि प्रेजेंट में डू और डज, गो, गोज, कम, कम्स, ईट, ईट, ये सारा फंडा था, या फिर हैज़ और हैव का फंडा होता है प्रेजेंट में। पास्ट क्या करता है, पास्ट के पास अगर एक वर्ब है तो वो सबके लिए वैलिड होती है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, या थर्ड पर्सन हो, और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके लिए वैलिड है एक ही वर्ब, सबके लिए वैलिड है एक ही हेल्पिंग वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। आज हम पास्ट के ही सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस किया था, बट वो हम ट्रांसलेशन से नहीं करेंगे, वो हम करेंगे बोलने वाले पैसेज से, ताकि आप बोलना भी सीख जाओ और आपको सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस भी आ जाए। जो हम पैसेज बनाएंगे, वो बनाएंगे एक इंटरव्यू के क्वेश्चन से। इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, आपने अपना कल का दिन कैसे बिताया था, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे यस्टरडे। पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस लगेंगे इसमें। या फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भैया, अभी आप मेरे सामने बैठे हो इंटरव्यू देने के लिए, अभी यहाँ पे आने से पहले आपने क्या क्या किया था, यानी कि सुबह से यहाँ पे आने तक आपने क्या क्या किया, ये भी कोई पूछ सकता है। अच्छा, तो फिर से मैं अपने बारे में ही बताऊंगा, आप इमेजिन करो कि मैं स्कूल जाने वाला ही बच्चा हूँ, जैसे पिछली वाली वीडियो में आपने इमेजिन किया था, ठीक है। अब मैं स्कूल गया था कल, ठीक है, मैं कैसे सेंटेंस बनाऊंगा? अब देखिए, मैं आपको कल का अगर बताऊं, तो देखिए मैं हिंदी में कैसे बताता हूं। कल मैं सुबह 6 बजे उठा, उठ के मैं फ्रेश हुआ, नहाया, फिर स्कूल के लिए तैयार हो गया, मैंने नाश्ता किया और फिर स्कूल के लिए निकल गया। 10 मिनट में मैं स्कूल पहुंचा, सबसे पहले मैं क्लास में गया, मैंने अपना बैग रखा, उसके बाद मैं मॉर्निंग असेंबली में गया, मैंने असेंबली अटेंड की और वापस से अपनी क्लास में गया, और फिर सारे के सारे पीरियड्स मैंने अटेंड किए। सेंटेंसेस देखते हैं इसमें एंडिंग कैसे हो रही है, एंडिंग से पहचानना है। मैं उठा, मैं फ्रेश हुआ, मैं नहाया, तो देखिए जो आपके पास एक लास्ट की एंडिंग हो रही है, वो हो रही है आ, उठा, गया, सोया, खाया, पिया, ठीक है, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया। ई से भी हो सकती है, मान लीजिए कोई लड़की है, वो बोल रही है मैं सुबह 7 बजे उठी। ए भी हो सकता है, मान लीजिए कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपने आप को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ कि हम सब फिर क्लास में गए, तो ए आ रहा है, समझे, आप कल बड़ा लेट उठे, तो पास्ट में बोला मैंने क्योंकि आप कल उठे थे लेट, मैंने बोला कल आप बड़ा लेट उठे, तो ए आ रहा है। आ, ई, ए की मात्रा ध्यान रखनी है, इस तरीके से एंड होंगे हमारे सेंटेंसेस। अब बनाने का तरीका देखते हैं। सब्जेक्ट लगाया, यानी कि करता, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अपने बारे में बताने वाला हूँ, आई लगाऊंगा। आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, वर्ब, आना जाना, खाना पीना, हंसना गाना, रोना धोना, यही सब सारे के सारे एक्शंस जो होते हैं, काम होते हैं, उनको वर्ब बोलते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म, यानी कि वेक का बन जाएगा वोक, कम का बन जाएगा केम, ईट का बन जाएगा एट, डू का बन जाएगा डिड,
तो इसी तरीके से आपको जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब होती है उनको सेकंड फॉर्म में लगाना है पास्ट के लिए, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि जो बचा खुचा पार्ट होगा सेंटेंस में। तो अभी मैं फटाफट से एक पैसेज फॉर्म करके दिखाता हूँ, अगर एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है तो अपना पास्ट का दिन कैसे बताएगा। तो जी सेंटेंस है सिंपल पास्ट के, एंडिंग कैसे हो रही है आ ई ए के स्वर से, और हमारे को बनाने कैसे है सब्जेक्ट लगाना है वो आपकी सेकंड फॉर्म लगानी है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये रहा हमारा पैसेज, आपने मुझसे पूछा कि आपने अपना कल का दिन कैसे बिताया और मैं स्कूल जाने वाला बच्चा हूँ तो मैंने आपको इस तरीके से बताया। किस तरीके से? इस तरीके से, आई वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग या फिर आई वोक अप अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग, इन दोनों में से एक ही यूज़ करना है। वोक अप है सेकेंड फॉर्म वेक अप की, वेक अप हमने पिछली बार प्रेजेंट में किया था तो वोक अप करेंगे हम सेकेंड फॉर्म में यहाँ पर, यानी कि मैं सुबह 6 बजे उठा। एट लगाएंगे जब निश्चित समय 6 बजे ही उठा था, मेरे को बिल्कुल पता है मेरा अलार्म बजा था, और अराउंड लगाएंगे जब मेरे को पक्का पक्का नहीं पता, मम्मी ने उठाया था मैं तो आँख मसलते हुए उठ गया और जाके तैयार हो गए, तो मैं अराउंड लगाऊंगा आई वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। देन यस्टरडे मैंने लगाया, यस्टरडे बोलता है कल को, I woke up at 6 o'clock in the morning yesterday. तो yesterday होता है कल, बीता हुआ कल। I got fresh. Get लगाया था पिछली बार, यहाँ पे लगाएंगे got. I got fresh, मैं fresh हुआ. And took a shower. और मैं नहाया. Took a bath भी बोल सकते हो, वो भी बिल्कुल सही है. I got ready for my school. मैं school के लिए तैयार हुआ. I took my breakfast. तैयार होने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया. I took my breakfast की जगह आप I had my breakfast भी कह सकते हो, क्योंकि हम प्रेजेंट में I have my breakfast कहते हैं तो I had my breakfast हो जाएगा. I take my breakfast कहते हैं तो यहाँ पे I took my breakfast हो जाएगा, क्योंकि टेक टुक टेकन होता है. After that यानी कि उसके बाद I left for my school. Left फिर से सेकेंड फॉर्म है, लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होती है. आई लेफ्ट फॉर माई स्कूल, आई रीच्ड स्कूल इन 10 मिनट्स या फिर आई रीच्ड स्कूल इन अबाउट 10 मिनट्स. इन 10 मिनट्स जब पक्का 10 मिनट में ही पहुंच गया था, इन अबाउट मतलब लगभग 10 मिनट में पहुंच गया था, इन अबाउट मतलब लगभग 10 मिनट में. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई वेंट टू माई क्लास, तो आप जानते होंगे गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है. आई वेंट टू माई क्लास मतलब मैं अपनी क्लास में गया. I kept my bag. Keep की second form kept. मैंने अपना bag रखा. After that, I went to morning assembly. मैं morning assembly में गया. I attended morning assembly. मैंने morning assembly attend की. E. And then after assembly, I went to my class again. मैं दोबारा अपनी class में गया. And attended all the periods. और मैंने सारे के सारे periods attend किए. तो A. सारे के सारे सेंटेंसेस में हिंदी में आ ई या ए से एंडिंग हो रही है, और इंग्लिश में हम सारे के सारे सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म यूज़ करें. वी आर यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ईच एंड एवरी सेंटेंस हियर आफ्टर द सब्जेक्ट. देखिए इस तरीके के पैसेज को बोलते हैं सीरीज ऑफ सेंटेंसेस. सीरीज ऑफ सेंटेंसेस कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सेंटेंस आते जा रहे हैं और कहानी आगे बढ़ती जा रही है. मेरी सुबह उठने से कहानी आगे बढ़ी और मेरे आधे दिन तक पहुँच गई, और अभी आपकी स्क्रीन में आपको पूरा का पूरा ये पैसेज मिल जाएगा. ये जो सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंसेज हैं आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और सबसे पहले तो बच्चे यही सीखते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिंपल है. यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं सोचना, आपको वो सेकंड फॉर्म याद रखनी है और हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगा देनी है. अब मैं आपको बताता हूँ अपनी लाइफ से जुड़ा एक इंसिडेंट. जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तब मैं गया था JD में. JD यानी कि जस्ट डायल, जस्ट डायल आपने सुना होगा. वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मेरे से जो एक लौता क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन ये था कि आपने सुबह उठने के बाद से यहाँ पे आने तक क्या क्या किया है. तो तब मेरे को सेकंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पे करना था और मुझे ये बताना था. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे से जनरली पूछे जाते हैं, और हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी वर्ब लगानी है. अगर प्रेजेंट का कुछ पूछा गया यानी कि आपका डेली रूटीन या किसी फैमिली मेंबर का डेली रूटीन पूछा गया है, तो आप उसी हिसाब से जज करो सेंटेंस को, या तो फर्स्ट फॉर्म लगाओ या फिर फॉर्म लगाओ ऐसी या ES वाली वर्ब के साथ. ओके और अगर आपसे कुछ पास्ट का पूछा गया है तो आपकी जनरली सेकंड फॉर्म ही यूज़ होती है जो आपके सीरीज ऑफ सेंटेंसेस आते हैं. तो आई होप आपको ये जो मैंने छोटी सी जानकारी दी है आपके बहुत काम आने वाली है, और आप इसको याद रखोगे क्योंकि आगे जो हमारी वीडियोस होने वाली है उसका बेस यहीं से तैयार हो रहा है. मैं आपको इसी के बेस पर बहुत सारी और चीज़ें भी सिखाने वाला हूँ. तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारी और भी वीडियोस, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उन्हें भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है.